कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर के द्वारा बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंदिर न्यासों के द्वारा दिए गए पैसों पर दिए गए बयान पर भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पलटवार किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि मंदिर ने न्यासों ने जो पैसा दिया है उसे सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रयोग में लाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय तो सामान्य परिस्थितियों में भी मंदिर का पैसा कई बार मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया गया था, लेकिन अगर भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस महामारी के समय मंदिर न्यास का पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दिया गया है तो उन्हें क्यों परेशानी हो रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि मंदिर न्यास द्वारा बांटा गया राशन हर गरीब को दिया गया है, उसमें भी कोई राजनीतिक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आलोचना के लिए आलोचना करना ये ठाकुर रामलाल की पुरानी आदत और मजबूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस विवाद की घड़ी में राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर सरकार के कार्यों में सभी को सहयोग करना चाहिए ताकि इस महामारी के समय प्रदेश व देश को बचाया जा सके। आलोचना के लिए आलोचना करने की अपनी आदत से मजबूर पूर्व मंत्री ठाकुर रामलाल ने अब मंदिर न्यासों द्वारा हिमाचल प्रदेश कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड में दिए पैसे पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये पैसा अधिकारियों के कहने पर ही नहीं दिया गया बल्कि टेंपल ट्रस्टीज की लिखित सहमति लेने के उपरांत दिया गया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकारों के समय सामान्य परिस्थितियां होने के बावजूद भी मंदिर न्यासों का पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाता रहा है और आज तो कोरोना महामारी का इतना बड़ा संकट हमारे देश और प्रदेश में है। संकट की इन परिस्थितियों में अगर ये पैसा दिया गया तो उन्हें क्या दिक्कत है, मेरी समझ में नहीं आता। इसी तरह उन्होंने श्री नैना देवी जी टेम्पल ट्रस्ट द्वारा राशन वितरण करने पर भी सवाल उठाए, जबकि वो राशन अधिकारियों ने पंचायत प्रधानों के माध्यम से बांटा है। किसी भाजपा नेता ने ना तो चंगर क्षेत्र में ना जुखाला क्षेत्र में राशन बांटा है। पंचायत प्रधान सभी राजनीतिक दलों के हैं, उनके माध्यम से ही राशन बांटा गया है और उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करना, मैं समझता हूं पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान है और लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन है जो पूर्व मंत्री कर रहे हैं और जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।